हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो सुबह हो गई है और आज मेरे यहाँ पे है सावनी घड़ी पूजा, जो हमारे यहाँ कुल देवता का पूजा होता है, जो सावन महीने में शुक्ल पक्ष में ये पूजा होता है। और हम लोग बिहार से हैं, तो ये पूरे बिहार भर में सावनी घड़ी होता है। किसी किसी के यहाँ ये पूजा शनिवार को होता है, जैसे कि मेरे यहाँ ये पूजा शनिवार को होता है, और कहीं बुधवार को होता है, जिसे बुधवारी पूजा कहा जाता है। तो ये सब होता है, तो आज मेरे यहाँ पे सावनी घड़ी है। तो सावनी घड़ी है आज, तो सुबह उठ गई हूँ मैं और स्नान ये सब कर ली हूँ, और सबसे पहले मैं दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ, क्योंकि कुल देवता का जो प्रसाद चढ़ता है उसमें हमारे यहाँ पे बिना चीनी का खीर चढ़ता है, और दाल वाली जो पूड़ी होता है वो बिना नमक का चढ़ता है। तो वो मैं बिना चीनी का खीर अब बना ली हूँ पहले, जो ताज़ा दूध का ही बनता है, जैसे सुबह जो गाय या भैंस दूध देती है उसी टाइम के दूध से ये बनता है, कोई बासी दूध ये सब से नहीं बनता है। तो मैं भगवान के प्रसाद के लिए खीर बना ली हूँ, और यहाँ पे दाल वाली बिना नमक का पूरी चढ़ता है, तो उसके लिए मैं दाल यहाँ पे चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए। और इसके अलावा भी अलग से मैं खीर बनाई हूँ चीनी वाली, और सावनी घड़ी में और भी प्रसाद बनाया जाता है। तो प्रसाद में यहाँ पे रोट बनाया जाता है, जो ठेकुआ होता है उसी तरीके से बनता है, बस उसका आकार में फर्क होता है। तो यहाँ पे मम्मी रोट बनाने की तैयारी कर रही है। तो रोट में यहाँ पे हमारे यहाँ गुड़ से बनता है, चीनी का यूज नहीं किया जाता है, और इसमें मम्मी कुछ घी मिला दी है और उसी को अभी मिला रही है। और यहाँ पे दाल भी उबल गया है, तो मैं उसको पीसने के लिए आ गई हूँ। तो प्रसाद में चढ़ता है बिना चीनी का खीर और बिना नमक का दाल वाली पूड़ी और रोट। उसके अलावे आप खाने के लिए दाल वाली पूड़ी और सादा जो पूड़ी होता है वो बनता है, और आपको जो सब्जी पसंद है वो बना सकते हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में यही बनता है। तो उधर मैं खीर बना ली हूँ और दाल भी यहाँ पीस ली हूँ, और यहाँ अभी रोट बनाने की तैयारी चल रही है। तो मम्मी रोट के लिए लोई बना रही है, और यहाँ कोई सांचे से रोट को नहीं बनाया जाता है, बस जो चकला है उसी पे हाथ से मैं ठोक दे रही हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ रोट किस तरीके का होता है, रोटी के आकार का बनता है, और थोड़ा मोटा मोटा जैसा ठेकुआ खजूरी बनता है उसी तरीके का। तो अब प्रसाद बन गया है, तो मैं दूसरे बर्तन में रख रही हूँ पूजा के रूम में पहुँचाने के लिए। और रोट हमारे यहाँ पे 2.5 kg आटे का बनता है, और जो दाल वाली पूड़ी है भगवान पे 13 जोड़ा चढ़ता है। तो वहाँ मैं किचन में प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पे मम्मी
पूजा की तैयारी कर रही है। तो अब बिना चीनी का खीर, रोट और पूड़ी ये सब बन गया है। तो सभी में सिंदूर से टीका किया जाता है। और ये मेरी मम्मी और छोटी मम्मी हैं। तो घर के अगर कोई लोग बाहर भी रहते हैं तो वो सावनी घड़ी में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये कुल देवता का पूजा है। तो सारे तैयारी हो गई है और अभी मम्मी अब प्रसाद चढ़ा रही है भगवान को। तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए जो यहाँ पे बर्तन का यूज किया जाता है, वो कुम्हार के यहाँ से बर्तन आता है मिट्टी का, जिसे यहाँ पे ढकनी बोला जाता है। तो वो ढकनी में सबसे पहले अपने मुट्ठी से नापकर 5 मुट्ठी चावल रखा जाता है, अरवा चावल। और उसके बाद 2 ढकनी चढ़ता है, और उसके बाद इसमें 5 रोट रखा जाता है, और फिर 2-2 पूड़ी, और उसके ऊपर से खीर। और यहाँ जो भी और भी पहले मंदिर में देवता हैं उनको भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। और उसके बाद आपके जो भी गोतिया में सुहागिन औरतें ये सब होती हैं, उनको सेंदूरी लिया जाता है। तो 5 औरत बैठती है और एक औरत यहाँ पे सेंदूरी दिलाती है। तो हमारे यहाँ इसे सेंदूरी बोला जाता है, सेंदूरी लेना। तो भगवान को प्रसाद ये सब चढ़ाने के बाद सेंदूरी हो जाता है, और उसके बाद सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं। तो अगर आपके घर में 5 सुहागिन औरतें हैं तो उनसे भी काम हो जाता है, और अगर नहीं है तो आपके गोतिया में जो लोग हैं वो लोग भी इसमें आते हैं। तो यहाँ हमारे घर में अब सेंदूरी हो गया है, और इसके बाद मम्मी लोग अब दूसरे के यहाँ जाएंगी। तो जो भगवान पे प्रसाद चढ़ता है वो शाम के टाइम नहाकर फिर से उतारा जाता है। और जो दूसरे भगवान ये सब पर प्रसाद चढ़ता है, जैसे महावीर जी, और भी जो मंदिर में प्रसाद चढ़ा है वो सब अभी आप उतार सकते हैं। तो प्रसाद उतर गया है, और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में आगे के खाने की तैयारी करने। तो उस टाइम बस प्रसाद ही बना था, और खाना अब मैं आ गई हूँ बनाने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी मैं उधर बनाने के लिए चढ़ा दी हूँ, और इधर मैं भी आशीर्वाद लेने आ गई हूँ भगवान से। तो यह मसाला अब भुन गया है, और मैं बना रही हूँ आलू और परवल का आलू दम। फिर बनेगी दाल वाली पूड़ी, जो यहाँ पे दाल भी तैयार हो चुका है पूड़ी बनने के लिए, और यहाँ चीनी वाली खीर भी बन गई है, और सब्जी भी यहाँ भुन गई है अच्छी तरह से, और मैं पानी डाल दी हूँ। तो यहाँ पे अब खीर बन गई है और सब्जी बन गई है, और अब चलिए मैं चलती हूँ आगे की तैयारी करने। और दाल वाली पूड़ी अभी बाकी है, और मम्मी तब तक आसपास में भी गई है सेंदूरी लेने के लिए। और हमारे यहाँ गांव में जिनके यहाँ भी पूजा नहीं होता है किसी कारणवश, तो उनके यहाँ भी प्रसाद बांटा जाता है। तो इस वजह से सावनी घड़ी के दिन ज़्यादा खाना भी बनाना पड़ता है। और तो अब मैं पूड़ी बना रही हूँ। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, जो भगवान पे माला के तरह चढ़ा हुआ था उसको हमारे यहाँ पे गिरुआ बोला जाता है, और वो माली के यहाँ से आता है दोस्तों। तो अब मैं पूड़ी बना रही हूँ, और पूड़ी खीर ये सब गांव में बांटा जाएगा प्रसाद, और भगवान का भी सारा काम हो गया है। तो पूड़ी बनाने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं करूँगी आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा,
और अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे साबनी घड़ी होता है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।